गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुरेश, मैंने तुमसे काम वाली के लिए कहा था ना, तुम्हें पता है जब से पुष्पा गई है सारा काम मुझ पे आ गया है। मैडम, मैंने एक लड़की से बात कर ली है, रानी नाम है उसका, मेरे बाजू वाली बस्ती में रहती है, बस थोड़ी देर में आती होगी। अच्छा ठीक है, तुम जाके गाड़ी साफ करो, मैं तब तक साफ लिए नाश्ता बना देती हूँ। जी अरे मीनाक्षी, ब्रेकफास्ट लेकर आओ जल्दी। हाँ बस आ गई। भटक क्यों रही हो, क्या हुआ? अच्छा वो काम वाली आने वाली थी? हाँ आने वाली थी, अब तक नहीं आई है, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। लगता है आ गई, सारे काम मुझे नहीं करने पड़ेंगे। नमस्ते मालकिन, मेरा नाम रानी है। वो सुरेश ने कहा था कि आपको कामवाली की जरूरत है। अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ। रानी, ये तुम्हारे साहब हैं और ये रानी है मेरी कामवाली। नमस्ते साहब। तुम जब तक नाश्ता करो मैं इसे पूरा काम समझाती हूँ, ठीक है? आ जाओ रानी, ये हमारा किचन है, सारे मसाले होंगे और ये प्लग। मैडम आ गया मैं। अच्छा ठीक है सुरेश, तुम नाश्ता कर लो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। जी मैडम। क्या कर रहा है? मीम साहब देख लेगी। डर क्यों रही है? मैं हूं ना। और वैसे मालकिन अपने कमरे में बिजी है, और सुना नहीं तुम्हें, उन्होंने कहा कि जाके नाश्ता कर लो, वही तो कर रहा हूँ। चल छोड़ मुझे, मेरे काम का ना पहला दिन है और पहले दिन कोई शिकायत नहीं सुनी। मेरी शिकायत तो सुन ले कभी। तेरी क्या शिकायत है? 21 चल रही। अब ये आ गई हूँ ना, तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूँ। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपराध के एक नए एपिसोड में। दोस्तों घर में मालिक और नौकर का रिश्ता सम्मान और विश्वास के आधार पर टिका होता है, लेकिन जब इस सम्मान और विश्वास में किसी अवैध रिश्ते का कलंक लग जाता है तो जन्म लेता है अपराध। हमारी आज की कहानी एक नौकरानी जिसका नाम रानी है और एक मालिक जिसका नाम रमन है के अवैध संबंधों की कहानी है। आइए देखते हैं क्या होता है अंजाम इस अवैध संबंध का। मैम साहब, सारे काम कर लिए तो मैं निकलती हूँ। ठीक है। अरे मीनाक्षी। हाँ सुरेश नहीं आया अभी तक? मैं तुम्हें बताने ही भूल गई, उसका कॉल आया था, उसे बैंक में कुछ काम है तो वो बोल रहा था डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाएगा, तो तुम्हें वहीं मिलेगा। चलो चलता हूँ, बाय स्वीटहार्ट। बाय बाय। अरे रानी मैडम, कहाँ जा रही हो, कैसी हो? अरे सुना है बहुत काम कर रही हो आजकल, कुछ हमारे लिए भी काम कर लिया करो। तू ना ज्यादा बकवास मत कर, चौकीदार है चौकीदार की तरह रहे, ज्यादा ताका झाकी मत क्या कर। दोबारा ये आशिकी दिखाई ना तो उसे थप्पड़ खाएगा ना, समझा? थप्पड़ मारना, लो मार। कम से कम इस बहाने छू तो लोगी, लो मारो। अरे रानी मैडम, बस एक बार बस। ए क्या कर रहा है तू? मुझे यहाँ निगरानी के लिए रखा है, तू ही बदतमीजी कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? वो गलती होगी, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, जेल में सड़ेगा। क्या काम कर अपना। जी साहब। तुम ठीक हो ना? जी साहब। कहाँ जा रही हो? घर। चलो मैं छोड़ देता हूँ,
नहीं सब, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। सीट बेल्ट लगा। मैं लगाता हूँ। रमन और रानी के बीच एक अनकही चाहत पनप रही थी। दोनों इस चाहत को बखूबी समझ भी रहे थे लेकिन बयान नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच रिश्ता था एक मालिक और एक नौकर का। क्या ये प्यार परवान चढ़ पाएगा? सवाल और भी है, क्या रमन की बीवी मीनाक्षी को इस बारे में पता लग पाएगा? एक सवाल ये भी है कि क्या सुरेश को, जो रानी का प्रेमी है, उसको इस बात का पता चल पाएगा? कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, तो क्या रमन और रानी का ये रिश्ता छिप पाएगा? आइए देखते हैं। रमन, वो मैं मामा जी के घर जा रही हूँ, मामी की थोड़ी तबीयत खराब है तो रात में थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं सुरेश को ले जा रही हूँ। आज तुम कैब से ऑफिस जाओगे क्या? ओके डार्लिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रानी साहब को नाश्ता दे देना। जी मैम साहब। बाय। कितने बेड पे मक्खन लगा? दो। और कुछ चाहिए तो कह देना।
कुछ उबल रहा है, उस पर तो तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। साहब लगता है आप बहुत जल्दी में हो। मुझे लगता है मैंने ही बहुत देर कर दी। अब नहीं करूंगा। जब तुम शर्माती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी आप साहब बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तुमने पहले बताया कि साहब, लेकिन अगर भीम साहब ने देख लिया तो? भीम साहब को बताएगा कौन? तू? मैं तो बताऊंगा नहीं। सॉरी साहब, वो मैंने मेम साहब की नाइटी पहन ली। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बोलूँ रानी, वैसे इस नाइटी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच्ची साहब? और अगर तुमने नाइटी पहनी भी नहीं होती ना, तो तुम और खूबसूरत लगती। वो आप मुझसे शादी कब करेंगे? रानी बोला था ना, जब मीनाक्षी जी तलाक ले लूंगा तभी करेंगे ना हम शादी। वो शादी की बात बोल बोल कर बार बार इरिटेट मत किया करो प्लीज। पर साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? समझना क्या है, तुम्हें वो हर खुशी देता हूँ जो मैं मीनाक्षी को देता हूँ। तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, तुम्हें प्यार देता हूँ, तो क्या चाहिए तुम्हें? पर साहब मुझे शादी करनी है। वो भी कर लूंगा, थोड़ा टाइम तो दो। रमन और रानी के इस अवैध रिश्ते को रानी एक नाम देना चाहती थी। वो रमन से शादी करके उसकी पत्नी बनना चाहती थी।
लेकिन देखा जाए तो रमन के लिए यह असंभव था, क्योंकि एक नौकरानी के लिए रमन अपनी बीवी मीनाक्षी से तलाक नहीं ले सकता था। इसलिए रमन रानी से अपना पीछा छुड़ाने लगा, क्योंकि किसी भी झूठ पर आधारित रिश्ते की उम्र हमेशा कम ही होती है। क्या ड्राइवर सुरेश को इस बारे में पता लगेगा? आइए देखते हैं। रमन, वो मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, पापा से मेरी बात हुई है, तो मैं पापा के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तुम नाश्ता कर लेना, रानी को बोलो सही से काम करे, टेबल सही से साफ करवाना। पता नहीं उसको क्या हो गया आजकल, बिल्कुल काम में मन नहीं लगता। पक्का, पक्का। तुम काम करा लेना सही से, ठीक है? जरूर। मैं निकल रही हूँ, बाय बाय बाय। सुरेश जी। मैम साफ सफाई हो गई? जी मैम हो गई। मामा जी क्या चलना है? चलिए। अरे सब रुके तो सही, मैम साहब ने देख लिया ना तो टेंशन हो जाएगी। ये ना बहाने बनाना ना बंद करो, चलो ना बेडरूम में। साहब आप ना बहुत शरारती हो गए हो। अच्छा, और ये शरारती बनाया किसने? हाँ शायद शायद मैं फोन बेडरूम में भूल आई, मैं लेके आती हूँ। हाँ मैम आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। वैसे तुम्हारी मैम सब कह रही थी कि आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है। आजकल हमारा मन हमारे साहब में लग गया। तुम भी रोमांटिक हो गई हो। सुरेश 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 मेरी बात सुनो। तुम्हें पे काम करनी है थी या फिर अय्याशी करने आ? जैसे तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं। अंधा नहीं हूँ मैं, देखा है मैंने तुम दोनों को। और साहब आप, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देखो सुरेश, तुमने जो भी देखा अपनी मालकिन को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुंह बंद रखने के जितने भी पैसे चाहिए हो वो तुम्हें मिल जाएंगे। पैसे? मुझे नहीं चाहिए पैसे साहब, मैं इससे प्यार करता हूं। और ये करती है तुमसे प्यार, पूछो इससे। करती है ना, तो करती है ना प्यार मुझसे। अगर ये तुमसे प्यार करती होती ना तो आज ये मेरे साथ नहीं होती। देखो सुरेश, मेरी बात को समझो, कल से तुम काम पर जाओ। मैं हर महीने सैलरी के साथ एक्स्ट्रा पैसे आते रहेंगे, ये मेरा वादा है। उसका फोन आया था, वो बोल रहा था कि उसे घर के पास ही काम मिल गया है तो उसने छोड़ दिया। इसे कैसे छोड़ दिया बिना बताए? अच्छा ठीक है, तुम दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करो। हाँ पापा, अब कैसी तबीयत है मम्मी की? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ ठीक है। मैडम। अरे सुरेश तुम। मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
पहले ये बताओ तुम नौकरी छोड़ के क्यों गए, और वो भी बिना बताए। मैडम मैं नौकरी छोड़ के नहीं गया, मुझे निकाला गया, वो भी जबरदस्ती और धमका कर। निकाल दिया? मैंने तुम्हें कब निकाला? आपने नहीं, साहब ने निकाला मुझे। रमन, रमन तुम्हें क्यों निकालेगा? साहब, साहब ने ऐसा किया रानी के चक्कर में। उनकी नीयत खराब हो गई रानी को देखकर। साहब ने रानी को पैसों का लालच दिया और अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया। मैडम रानी मुझसे प्यार करती थी, तो पैसों के लालच में आकर उसने भी साहब के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो सुरेश तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता, रमन मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। मैडम अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद चल के देख लीजिए, आपके पीठ के पीछे साहब क्या गुल खिला रहे हैं, वो भी एक नौकरानी के साथ। आप खुद चलिए। साहब आपका और मालकिन का तलाक कब होगा, हम शादी कब करेंगे? बोला तो है तुम्हें सही टाइम आने दो, अभी कोई रीजन भी तो नहीं है उसे तलाक देने का, उसका किसी से चक्कर भी नहीं है। जिस दिन कोई रीजन मिल गया ना, उसका बोरिया बिस्तर बांध के उसे बाहर फेंक दूंगा। पर साहब, साहब कब होगा ये सब, और अगर मालकिन नहीं मानी तो? मालकिन कैसे नहीं मानेगी, तो अगर नहीं मानी ना तो उसका ऊपर का टिकट कटवा दूंगा। देखा आपने मैडम, मैडम मुझे बस इतना चाहिए कि आप रानी को साहब से अलग करवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू जा अभी, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। जा। अरे मीनाक्षी, हम तो बाहर जाने वाले थे ना डिनर करने, तो तुमने ये क्या बना लिया है? हाँ जाने वाले थे, पर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने बनाया तुम्हारा फेवरेट चिकन मसाला। वाओ ग्रेट, पर तुम तो वेज हो, तुम क्या खाओगी? तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑर्डर किया आता ही होगा, तब तक तुम खाओ। खा के भी बताओ कितना टेस्टी है। तुमने बनाया तो टेस्टी होगा। कैसा बना? अमेजिंग, बहुत डिलीशियस है, सीरियसली बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू। हम गलती कर रहे थे, रेस्टोरेंट जाने का कोई फायदा नहीं होता, तुमने जो इतना टेस्टी खाना बनाया। यस। तुम्हारा खाना कब आने वाला है वैसे? आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम खाओ ना अच्छे से खाओ। और दो? नहीं अभी खाने दो। पानी देना। पानी क्यों नहीं दे रही हो? रमन तुम मुझसे प्यार करते थे ना, फिर उस दो कौड़ी की नौकरानी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। क्या मिला है इसमें? जहर है, जहर है। तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, इतना प्यार किया तुम्हें, तुमने मुझे क्या दिया, धोखा? रमन खाओ, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है, जितना खाना है खा सको। <सर। coughs>
पानी चाहिए रमन को। हाँ। रमन को पानी देते हैं, बहुत सारा पानी देते हैं। मीनाक्षी प्लीज, मुझसे गलती हो गई, उसने मुझे अपनी जाल में फंसा लिया था। मीनाक्षी गलती नहीं, इसे धोखा कहते हैं। प्लीज पानी दे दो मीनाक्षी। और ये धोखा माफी के लायक नहीं है। अब कर तो मीनाक्षी, तुम्हें इसी तरह तड़प तड़प के मरना चाहिए। अब ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाओ, मर जाओ रमन। पानी ही तो मीनाक्षी प्लीज। पानी? हाँ तुम पानी पी लो। रमन ये लो पानी, रमन पानी आ रहा है, रमन पानी, रमन पानी। ओह रमन पानी तो खत्म हो गया। ओह अब तो रमन भी खत्म हो जाएगा इस खाली ग्लास की तरह। रमन की बॉडी भी अब खाली हो गई, आत्मा चली गई। रमन रानी और रमन के इस अवैध रिश्ते ने मीनाक्षी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, या यूं कह लीजिए कि सुरेश के प्रतिशोध ने और रमन के हवस ने मीनाक्षी को अपराध करने पे मजबूर कर दिया। रानी को अपनी हदें समझनी चाहिए थी और रमन को भी मीनाक्षी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी। मीनाक्षी ने सरेंडर किया और आज वो जेल में है रमन को जहर देने के जुर्म में। मैं अनुराग मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अपराध के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।